Hello students, good morning. I am your English grammar teacher for classes 1 to 3. Now, we had done homophones exercises. Homophones, the same sound words हमने आपको कराए थे ना, जैसे no का no, N-O-W no होता है, K-N-O-W nose भी होता है, no, K-N-O-W no भी होता है जानना. High और high होता है, H-I high होता है, H-I-G-S high होता है. तो इसी तरीके की exercises हमने आपको homework पे दिया है. अब हम लोग जो हैं पुरानी exercises revise करेंगे आज. So, wash your hands, had your breakfast, नाश्ता किया, now it's your study time. आप तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए. ये सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है. हमने आपने सबने नाउन्स पढ़ा है ना, नाउन्स आपको पढ़ा दिया हमने, नाउन्स के काइंड्स पढ़ा दिए, कौन कौन से नाउन्स होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, न्यूटर नाउन. न्यूटर मतलब जिसमें जान नहीं होता है, जिन चीज़ों में जान नहीं होती, जैसे टेबल चेयर. तो अब आपको नाउन्स और उसकी एक्सरसाइजेस रिविजन में कराएंगे हम, ठीक है ना. ये सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं. देखो कॉमन नाउन्स मतलब जैसे अब हम कहते हैं जैसे राम टीचर्स इंग्लिश, तो राम जो है वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, नाम है ना किसी का, टीचर्स इंग्लिश. अब एक स्पेशल सब्जेक्ट हो गया, नहीं इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट है तो वो क्या, टीचिंग स्टूडेंट्स, राम इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कॉमन नाउन हो जाएगा. कॉमन नाउन है सबसे, आज हम अभी आपको कॉमन नाउन सिखाएंगे रिवाइज करना. द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, टीचर देखो पढ़ा रहा है क्लास में. अब टीचर कोई भी हो सकता है, वो हिंदी का टीचर भी हो सकता है या इंग्लिश का टीचर भी हो सकता है. तब यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स ये नाउन्स हैं, नाउन्स आपको छांटने हैं और बताना है कि कौन से नाउन है, कॉमन नाउन है. तो वर्ड्स टीचर एंड स्टूडेंट्स आर द नेम ऑफ पर्संस और वो कॉमन नाउन है. द टाइगर इज चेसिंग अ डियर, टाइगर एंड डियर आर द नेम्स ऑफ एनिमल्स. द स्कूल इज नियर द गार्डन, अब स्कूल कोई सा भी हो सकता है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, ये कॉमन नाउन है. वर्ड स्कूल एंड गार्डन आर द नेम ऑफ प्लेसेस. अ कार रन्स फास्टर देन अ बाइक, कार जो है बाइक से ज़्यादा फास्ट चलती है. कार कोई भी हो सकती है, किसी भी मॉडल की हो सकती है, तो कॉमन नाउन है. और बाइक भी कोई भी हो सकती है ना. वर्ड्स कार एंड बाइक आर द थिंग्स, तो ये चीज़ है, ये न्यूटन नाउन हो गया. वर्ड्स यूज्ड एंड नेम ऑफ पर्सन एनिमल प्लेस एनिमल एंड थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स, ये तो आपने पढ़ा ही है. द वर्ड्स टीचर स्टूडेंट्स टाइगर डियर स्कूल गार्डन कार एंड बाइक आर कॉमन नाउन्स गिवन टू अ टाइप ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, सो दे आर नोन एज कॉमन नाउन्स. कोई भी जो वर्ड्स जो हैं जो सिंपल लिए गए हैं, कोई स्पेशल नाम नहीं है, तो वो कॉमन नाउन्स होते हैं, ठीक है. अब इसमें एक्सरसाइजेस करनी है. ये आपको येलो में आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें वर्ड्स हैं वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में कर दें हैं. देर आर टू और मोर कॉमन नाउन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बट वन इज मिसिंग, अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स इन ईच सेंटेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू और बाकी एक्सरसाइज हम कल कराएंगे. माई ग्रैंड फादर लिम्प्स एंड ही कैन नॉट सी वेरी वेल सो ही हैज़ टू यूज़ अ वॉकिंग स्टिक एंड स्पेक्टिकल्स. अब ये नंबर वन सेंटेंस है, इसमें आपको अंडरलाइन करना है कॉमन नाउन्स कौन कौन से हैं. माई ग्रैंड फादर लिम्प्स मतलब वो लंगड़ा के चलते हैं, ठीक से चल नहीं पाते हैं, थोड़े पैर में तकलीफ है, तो उनको ही हैज़ टू यूज़ अ वॉकिंग स्टिक, उनको चलने के लिए वॉकिंग मतलब चलने के लिए एक स्टिक का इस्तेमाल करना पड़ता है. एंड स्पेक्टिकल्स मतलब आईज. सेकेंड सेंटेंस इज द डॉक्टर गेव मी एन इंजेक्शन एंड सम पिल्स. डॉक्टर ने हम क्या दिया, एक इंजेक्शन और दवाई खाने को दी. पिल्स किसको कहते हैं, दवाई. तो आज आपने देख लिया ना, ये हमने रिवाइज़ किया है आपको, कल एक्सरसाइजेस देंगे हम आपको वर्क के लिए करने के लिए, तो इसीलिए मैंने रिवाइज़ किया जिससे आप भूलें नहीं. और कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स स्पेशल नेम्स होते हैं, हमने आपको बता दिया है.
और न्यूटर नाउंस क्या हो जाएगा, वो भी जो जिन चीज़ों में लाइफ नहीं होती तो वो भी कॉमन ही होते हैं, तो वो कॉमन नाउंस में यूज़ किए जाएंगे. ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे.